हेलो एवरी वन एंड असलैक सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाओ वी कैन यूज़ द बिल्ट इन एंड्रॉयड एसेड स्टूडियो विच इज़ अवेलेबल इन द एंड्रॉड स्टूडियो सो वी आर गोइंग टू यूज़ दैट एसेड स्टूडियो टू क्रिएट अर ओन एसेट जो कि हम अभी अपनी इससे अगले आने वाले पार्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे सो so हम एक छोटा सा एसेट क्रिएट करेंगे एन आईकॉन और ड्राएबल आइकॉन जिसको हम लोग अपने टूल बार और अपनी ऐप बार के ऊपर इस्तेमाल करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो आई एम गोइंग टू गो टू माय ड्राॅबल डायरेक्टरी और यहाँ पर आई एम गोइंग टू आस्क टू क्रिएट अ न्यू एसेट विच इज इनफैक्ट एन इमेज एसेट सो मैं इमेज एसेट पे क्लिक करूँगा एसन एज ए क्लिक ऑन दिस वन तो मेरा जो एंड्रॉइड एसेट स्टूडियो दैट इज गोइंग टू ओपन अब सबसे पहले क्योंकि हम लोग अपनी एक्शन बार या अपनी ऐप बार के लिए आइकन बना रहे हैं सो आई एम गोइंग टू चूज़ दिस आइकन टाइप एज एक्शन बार एंड ऐप बार एंड उसके बाद मैं अपने आइकन का नाम दे सकता हूँ तो आई कैन द कन् आई कैन फॉलो द कन्वेंशन एंड हेयर आई एम गोइंग टू गिव इट एज मेन्यू अंडर स्कोर एड सो ये मेरा ऐड का आइकन जो है वो प्रिपेयर हो जाए अच्छा अब ऐसे टाइप में आई एम गोइंग टू चूज़ इट एज अ क्लिप आर्ट एंड लेटर ऑन मैं यहाँ पर आकर एग्जिस्टिंग जो क्लिप आर्ट है फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं हेड का बटन बना रहा हूँ तो आई कैन चूज दिस ऑलरेडी अवेलेबल क्लिप आर्ट सो मुझे ख़ुद से ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी सो आई चूज़ दिस बटन नाउ इन द थीम आई कैन चूज इट एज होलो डार्क बिकॉज जो मेरी एबार है दैट इज ऑलरेडी डार्क तो एज सुन एज आई चूज़ दिस होलो डार्क तो ये Uh, जो मेरा ऐड का आइकन है ये उसके ऊपर विजिबल रहेगा एंड सिंपली नाउ आई क्लिक नेक्स्ट एंड हेयर आई कैन सी दैट इट हैज़ जनरेटेड डिफरेंट रेजोल्यूशन फॉर मी ठीक है और ये सारी रेजोल्यूशन के जो इमेज हैं दे आर हेयर एंड दिस इज फाइल दैट इज जनरेटेड सो आई एल क्लिक ऑन फिनिश एंड अगर अब मैं अपने ड्राॅबल्स के अंदर आऊँ तो मैं देख सकता हूँ दैट इट हैज़ दिस आई सी मैन्यून क्योर एड फोल्डर और उसके अंदर ये सारी रेजोल्यूशन के जो इमेजेस हैं दे आर ऑलरेडी अवेलेबल सो मुझे अब सिर्फ इतना करना है कि इसको रेफ़र करना है अपने आइकन एट्रीब्यूट के अंदर एंड वेयर एवर आई रेफर दिस दिस एड आर्ट विल बी अवेलेबल एज द आइकन सो प्लीज़ गो एंड एड दिस ड्राएबल रिसोर्स टू योर प्रोजेक्ट सो दैट हम इसे आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकें सो फॉर दिस वीडियो विल स्टॉप हेयर थैंक यू